हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की खास रेसिपी है आमड़े का अचार। इससे पहले भी मैंने दो तीन तरह की अचार की रेसिपी डाली हुई है और ये जो रेसिपी है ये भी बहुत अलग है, बहुत खास और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे आमड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ 250 ग्राम आमड़ा लिया है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। आप इस तरीके के आमड़े, बिल्कुल फ्रेश आमड़े ले लें और हम सबसे पहले इसे कट कर लेंगे बीच में से। इसकी चटनी भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है खाने में। यहाँ पे मैं इसको बीच में से इस तरीके से कट कर लेती हूँ। हम दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे और इतने बड़े बड़े हम अचार तैयार करेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे आमड़े भी हम कट कर तैयार कर लेंगे। इस आमड़े की चटनी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। मैं आपके साथ वो रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। आज मैं इसका अचार बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर सारे आमड़े कट कर लिए हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें नमक और हल्दी मिक्स करनी है और उसके बाद हमें इसे धूप में छोड़ना है लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच नमक डाला है और हम इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ना है। अगर धूप थोड़ी फीकी है तो आप इससे ज़्यादा वक्त के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। अभी मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें से पानी बाहर आ चुका है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद अब हम इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। जो पानी बचेगा वो हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आमड़े को अच्छे से छान कर रख लिया है और इस तरीके से हम इसे अब धूप में छोड़ देंगे ताकि इसमें से जो भी पानी है वो सूख जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और यहाँ पे मैंने आमड़ा लिया है जो मैंने 4 घंटे के लिए सुखा लिया था। ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें हम सबसे पहले सरसों का तेल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से गर्म होने दें, मैं इसी में इसके मसाले तैयार करूँगी। तो ये जब गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली थी अचार, तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तब हम इसमें 100 ग्राम सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसे हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। अब हमें इसे ना ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है। इसे हम इतना गर्म करेंगे कि इसमें से थोड़ा धुआं आने लगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। मसाले मैं यहाँ पे घर के मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने स्पेशली इस आमड़े के अचार के लिए तैयार किया है। तो ये मसाले की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द दे दूंगी। जब मैं अगली वीडियो इसके लिए तैयार करूंगी तो मैं वो पिन कर दूंगी, आप वहाँ पे देख लेना। ये बिल्कुल होममेड मसाला है। कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। अब इसमें मैं एक बार थोड़ा सा मसाला डाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑयल गर्म है अच्छे से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मैंने जो मसाले लिए हुए हैं। मसाले डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि कहीं लम्प्स ना पड़ जाए। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। मैं इसको डाल देती हूँ। डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें तुरंत ही ये आमड़े डाल देंगे और आमड़ा डालने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे जार में भरकर रख सकते हैं और लगभग 2 दिनों के लिए आप इसे धूप में छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये अचार बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। बहुत सिंपली आप इसे तैयार कर सकते हैं। बस आपको इसके मसाले तैयार करने हैं, वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने इस रेसिपी को इन्जॉय किया। अगर आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।